अस्सलाम वालेकुम, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। टुडे वी विल बी कवरिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ में डिफरेंट जगहों में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आता है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, मुख्तलिफ होना। तो ये बायोडाइवर्सिटी है कि कौन कौन से मुख्तलिफ जानवर और प्लांट्स अर्थ के कौन से इलाके में पाए जाते हैं, वो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर हम लोग सब कुछ आ जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ की हिफाजत करना। यानी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हमारे दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उसकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं। यानी हम लोग किसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्लांट्स को काटते हैं, लाइक पेपर्स बनाने के लिए प्लांट्स को काटते हैं, फर्नीचर्स बनाने के लिए प्लांट्स को काटते हैं, हम लोग आग जलाने के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए होती है उसके लिए भी हम प्लांट्स को काटते हैं। यानी ऐसे ऐसे क्या होता है कि प्लांट्स जो है ऐसे ऐसे दुनिया का खत्म होते जा रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स से हमें डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं, लाइक एलिफेंट से जो है हम जो उसका ट्रंक इस्तेमाल करते हैं उससे आइवरी हमें मिल रहा होता है, जिससे जेवरात बनाए जाते हैं। इसी तरीके से क्रोकोडाइल की स्किन से जो है लेदर के उनके चीज़ें बनाई जाती हैं। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं और उनकी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको कत्ल करके या मार के, तो उनकी हिफाजत किस तरीके से की जा सकती है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी दुनिया में ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिसके अंदर हर तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मतलब रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हर तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि हर तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान में हैं, उसका मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लाइक पहाड़ के अंदर तो वहाँ पास ठंडे वाले जो थिक स्किन वाले या बहुत फरी एनिमल्स हमें मिलेंगे। अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मछलियाँ हमें मिलेंगी। तो यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज अ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स। यानी पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर देखेंगे, मैप में देखेंगे आप उसमें, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स मिलेंगे। यानी माउंटेन्स मिलेंगे आपको, सीस मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप हमें जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमें पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। यू विल फाइंड प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, हिल्स एंड प्लेटूज। यानी पाकिस्तान के अंदर प्लेन्स ही मौजूद है, यानी जो सीधी सीधी जमीन होती है। डेजर्ट्स, देयर आर कोस्टल एरियाज अलोंग द अरबियन सी एंड माउंटेन्स ऑफ द कराकोरम रेंज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि अरबियन सी के लिए जो कोस्टल एरियाज है वो भी मौजूद है हमारे पास। कोस्टल एरिया होते समुद्र के साइड में जो जमीन होती है, दैट इज नॉन एज द कोस्टल एरियाज। और कराकोरम रेंज है हमारे पास पाकिस्तान में इन द नॉर्दर्न पार्ट। कराकोरम रेंज में हमारे पास केटू भी आ जाता है। दिस डाइवर्सिटी कंटेन्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड लैंडस्केप दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ फौना एंड फ्लोरा। नाउ द वर्ड फौना मीन्स एनिमल्स and the word flora means plants। ठीक है, तो यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ हैबिटेट्स होते हैं। हैबिटेट्स का मतलब है कि जानवरों की रहने की जगह। लाइक लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, लायन का हैबिटेट क्या है, दैट्स फॉरेस्ट। ठीक है, सो हैबिटेट्स इज बेसिकली द होम ऑफ एनिमल्स। तो इन जानवरों की मौजूदगी की वजह से यह डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड लैंडस्केप सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी काफ़ी मुख्तलिफ किस्म हमें पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, जिसमें फौना यानी एनिमल्स एंड फ्लोरा, मुख्तलिफ फौना एंड फ्लोरा पाए जाते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। एरिड बेसिकली ड्राई जगह को कहते हैं, लाइक डेजर्ट्स की तरह, जहाँ पे पानी की मकदार कम हो या ना होने के बराबर हो। ठीक है, तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स आर बेसिकली वेरी हॉट एंड डेजर्ट्स। Covering almost 80% of the total land area of the country, possess significant portion of country's biodiversity. अब यानी कि यहाँ पे क्या होता है, arid and semi-arid regions के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे animals, different मुख्तलिफ किस्म के animals and plants वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान का तकरीबन 80% जो जगह है, that they are arid and semi-arid. ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पास biodiversity हमें मिलते हैं। During the last 2-3 decades, a number of animal and plant species have become threatened or endangered. लेकिन पिछले 2 और 3 decades के मतलब है 10 साल,
जब 1 decade is equals to 10 years, तो 2-3 decades का मतलब है 20 से 30 साल. यानी पिछले 20 से 30 साल से काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इन पे इनको ख़तरा हो रहा है, क्योंकि हम उनका कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं. थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड यानी कि उनका जो है ना उनकी नस्ल ख़त्म होने के इम्कान आते हैं, मेनली ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइक सपोज अगर आप कोई प्लांट को कुछ ज़्यादा काट रहे हैं लेकिन आप उसी प्लांट के पौधे नहीं लगा रहे, तो ऑफकोर्स वो जो नस्ल होगी प्लांट की वो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो जाएगी. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें. एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट यानी उनकी जगह जो उनकी नेचुरल जगह है रहने की उस जगह ख़त्म कर रहे हैं. यानी लेट्स सपोज अगर आप लेट्स क्रोकोडाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोकोडाइल ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो एरिड जगह यानी सूखी हुई जगह है तो क्रोकोडाइल जो है सूखी हुई ज़मीन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता. तो यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट उनका वो उनका ख़त्म होता जा रहा है. फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को ख़त्म करना या काटना. ओवर ग्रेजिंग यानी कि जब एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है और वो किसी जगह पे जा रहे कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है. तो यानी कि ओवर ग्रेजिंग का मतलब, ग्रेजिंग बेसिकली इज के प्लांट्स जो खाते हैं एनिमल्स, दैट प्रोसेस नॉन एज ग्रेजिंग. तो ओवर ग्रेजिंग यानी अगर एक इलाका है वहाँ पे जो है वो लाइक सपोज 5 animals के खाने पीने की वो फैसिलिटीज रखता है, लेकिन आप 5 के बजाय आप उससे ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पे ग्रेजिंग पे लेके आ जाएंगे तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है. तो यानी कि उसकी ग्रोथ से ज़्यादा वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. सॉइल इरोजन यानी सॉइल का खात्मा, सैलिनिटी यानी नमकीन, वाटर लॉजिंग यानी कि पानी का खड़ा हो जाना, आर पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. अब इन वजह इन जो रीजन्स बताए हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, इसकी वजह से जो बचा खुचा बायोडाइवर्सिटी हमारे मुल्क में मौजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है. द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट विद इट्स एसोसिएटेड फौना एंड फ्लोरा विल हैव सीरियस इम्प्लिकेशन फॉर द नेचर्स नेशंस फॉर द नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. फॉरेस्ट हैबिटेट को जब हम ख़त्म करते जा रहे हैं उसकी वजह से जो फौना और फ्लोरा पे, फौना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट, इन पे जो असर हो रहा है उसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर जो इकोसिस्टम है नेचुरल एंड एग्रीकल्चर उस पर बहुत बड़ा असर आ रहा है. टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स बायोडाइवर्सिटी शुड बी पेड अटेंशन इन ऑर्डर टू सेव द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग एंडेंजर्ड. और जो मसाइल जो पैदा हो सकते हैं उनसे बचने के लिए वी नीड टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कंजर्वेशन सिंपली इज द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशीज इनहैबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स. कंजर्वेशन का बेसिक मकसद क्या है कि जो पहले से स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं उनका ख्याल रखना और उनको सेव करना ताकि उनकी नस्ल ख़त्म ना हो फ्रॉम ऑल द डेंजर्स. ये कंजर्वेशन होता है यानी किस तरीके से उनकी नस्ल को आगे तक पहुंचाना है, ख़त्म ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना बने. रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी को सेव करने से हमें क्या मिलता है. बायोलॉजिस्ट वांट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स If biodiversity continues to be reduced at the same rate. जो biologists उन्होंने कहा कि हमारी जो दुनिया है उसके अंदर जो ecosystem जो बना हुआ है यानी पूरा system जो बना हुआ है हमारा वो एक दिन तबाह हो जाएगा अगर हम लोगों ने biodiversity को save नहीं किया. क्योंकि biodiversity जिस speed से ख़त्म होता जा रहा है at the same rate जिस speed से इस वक्त ख़त्म होता जा रहा है अगर हम उसको नहीं रोकेंगे या उसको स्लो डाउन नहीं करेंगे तो हमारी दुनिया की जो ecosystem है तबाह हो जाएगी. यानी कि लेट्स सपोज अगर हम प्लांट्स को काटने से नहीं रोकें यानी लेट्स सपोज हम एक दिन में जो है 10 plants काटते हैं, 10 दरख्त काटते हैं और स्पीड को हम कम ना करें, लाइक 10 के बजाय हम सिर्फ 5 काटें या 8 काटें या 2 काटें, ठीक है. तो इससे अगर हम स्पीड कम नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में कोई प्लांट ही नहीं बचेगा. जब प्लांट नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खा नहीं सकेंगे और बाकी दूसरे एनिमल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होगा सांस लेने के. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी को जब हम सेव नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, उसको ख्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा यानी सारे के सारे जो मखलूकात है ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास. देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब है इम्पॉर्टेंट, फर्ज कह सकते हैं उसको. देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी टू कंजर्व लाइफ ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू मेक नेचर स्टेबल. हमारा जो नेचर है उसको स्टेबल रखने के लिए ताकि वो प्रॉपर वे से नॉर्मल वे से चलता रहे, उसके लिए हमें जो अर्थ में पहले से जानवर और प्लांट्स मौजूद हैं उनका ख्याल रखना लाजमी है.
यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है क्या इंपॉर्टेंस है. ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ. यानी इंसानों को बायोलॉजी का ख्याल से रखना चाहिए बिकॉज उस समय काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं. लाइक अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप सारे प्लांट्स खत्म कर देंगे वी वॉन्ट हैव एनी ऑक्सीजन. इसी तरीके से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह हमें प्लांट से मिलते हैं. एनिमल्स से मीट जो खाते हैं वो मीट उनको मिलता है, एग्स मिल जाते हैं, बटर हम उससे बनाते हैं, मार्जरीन वगैरह जो भी है खाने पीने की चीज़ें उससे बनता है. इसके अलावा वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं, लाइक लेदर हो गया एंड रबर हो गया. यानी डिफरेंट चीज़ें हम लोग बायोडाइवर्सिटी से फ़ायदा हासिल करते हैं अगर हम बायोडाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको सेव नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे अयाशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. Biodiversity boosts ecosystem productivity where each species can easily survive in their habitat. If the one will not conserve biodiversity, the food chain ecosystem will be imbalanced. Biodiversity में अगर हम उसको ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा जो ecosystem होगा imbalanced, वो बैलेंस नहीं होगा. यानी कि let's suppose जैसे अगर आप प्लांट ज़्यादा काटेंगे तो प्लांट्स की मिकदार कम हो जाएगी और एनिमल्स के अमाउंट कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं कुछ वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनके पास प्लांट्स की मिकदार बहुत कम है. यानी कि बायो से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मेंटेन रहती है, और इसी वजह से हमारा जो इको सिस्टम है वो भी बैलेंस रहता है. विद मोर प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स द सॉइल इम्प्रूव. जब प्लांट्स मौजूद होते हैं तो सॉइल की क्वालिटी भी बेहतर होती है. सॉइल जो होता है उसमें जो इरोजन होती है, सॉइल जो खराब हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड प्लांट्स एंड ट्रीज एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर लेस प्रोन टू इरोजन ड्राउट एंड फ्लडिंग. तो यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास इसके वजह से सॉइल खराब नहीं होता, इरोजन नहीं होता, ड्राउट यानी कि पानी की कमी नहीं होती, फ्लडिंग यानी कि सैलाब नहीं आता. ये सब कुछ प्लांट्स ट्रीज और एनिमल्स की मौजूदगी के वजह से हम उसको इससे बच सकते हैं. अब ये मसला क्यों है कि हम पाकिस्तान के अंदर कंजर्व नहीं कर पा रहे, यानी हम लोग ख्याल किस क्यों नहीं रख पा रहे बायोडाइवर्सिटी का. द आर्टिकल फ्रॉम 2009, एक आर्टिकल छापा गया था 2009 में, बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज. यानी एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें मेन मसाइल कौन से हैं. आइडेंटिफाइड सम ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान. तो उन्होंने उसमें आर्टिकल में बताया गया था कि ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ था कि हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस प्लान का नाम था बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान. अब वो प्लान तैयार कर दिया उन्होंने, लेकिन मसला ये था कि वो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसका जो है हमें उससे सही से फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो ये 2009 में जो आर्टिकल छपा था उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा प्रॉब्लम हमें क्यों हो रहा है. सबसे पहले उन्होंने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़. यानी कि पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम पे क्या डायरेक्टली असर हो सकता है. अगर हमें सबको जो है इसका एहसास हो जाए कि अगर एनवायरमेंट में जो है किसी भी एनिमल या प्लांट्स के जो अमाउंट है उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें ऊंच नीच हो जाती है, तो उसके ऐसे डिफरेंट जो स्पीशीज हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स एंड प्लांट्स मौजूद हैं उस पर भी असरअंदाज होता है. यानी कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर जो है फ्रॉग्स को आप मारना शुरू करते हैं, यानी फ्रॉग्स को बिल्कुल ख़त्म करते हैं आप अगर अपने एनवायरनमेंट से, तो फ्रॉग्स जिन कीड़े मकोड़ों को खाता था उनकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज जाएगी. लाइक वो मच्छर को खाता था तो मच्छर की जो है पॉपुलेशन इंक्रीज जाएगी. अब मच्छर की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज जाएगी तो इंसानों के अंदर डिफरेंट बीमारियाँ फैलेंगी. तो यानी कि ये जो अवेयरनेस था कि लोगों को यहाँ पाकिस्तानियों को ये इस बात का इल्म नहीं है या इसका एहसास नहीं है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो होती हैं, यानी हम कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं अपने सोसाइटी के हिसाब से तो हम लोगों को एनवायरमेंटल इश्यूज़ का करना पड़ेगा. यानी कि लेट्स सपोज डिफरेंट कंट्रीज़ का ले लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहीं पर जो है फ्लैट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या मॉल्स बनाते हैं, तो आप लोगों के अगर लोग क्या करते हैं अक्सर जो है वो फॉरेस्ट वगैरह को काट के या जंगलात को काट के जो है उसमें फिर वो मॉल्स वगैरह खड़ा कर देते हैं. कराची में यही होता था कि जो है जहाँ किसी ज़माने में जो है कराची में बहुत सारे जंगलात होते थे, कराची बहुत जंगल वाला इलाका होता है, वहाँ बहुत दरख्त होते थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से दरख्त काटने लगे और वहाँ पे फ्लैट्स खड़ा करने लगे, मॉल्स खड़ा करने लगे, तो उसके ऐसे क्या हुआ कि उसके अंदर जो कराची के अंदर जो ट्रीज़ के अमाउंट है, जो उनके प्रेजेंस है, वो काफ़ी कम होने लगी, जिसके ऐसे काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ लाइक पोल्यूशन वगैरह होने लगा.
अब दूसरे कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आपको कोई मॉल खड़ा करने के लिए या किसी या आपको कोई फ्लैट खड़ा करने किसी भी वजह से आपको जो है अगर कोई फॉरेस्ट वाले इलाके को जहाँ बहुत सारे जंगलात मौजूद हैं उनको आपको काटना पड़ रहा है, तो आपको पहले उतने ही प्लांट्स बीज बोने पड़ेंगे। यानी अगर लगता एक इलाका है वहाँ पे आप तक 50 से 60 प्लांट्स वहाँ पे पहले से ग्रो हुए हैं, ट्रीज तैयार हुए हैं, पूरे ग्रो हुए हैं, तो आपको उन तमाम ट्रीज को काटने से पहले यू हैव टू प्लांट 50 to 60 प्लांट्स पहले। तो यानी कि उन्होंने इस तरह ख्याल रखा हुआ है कि अगर आप जितने आप प्लांट्स काट रहे हैं उतने ही आपको प्लांट्स ग्रो करना पड़े ताकि आपकी जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से जो है क्या होता है कि एनवायरनमेंटल इश्यूज जो उन्होंने बनाया हुआ था पूरा एक्शन प्लान वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोगों को खुद एहसास नहीं है कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो बनाते हैं प्लान्स वो किस तरह से हम पे असरअंदाज होता है। नंबर टू इज़ वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस मतलब स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, इनएबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज पॉलिसी एंड लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। वीक गवर्नेंस यानी कि हमारी गवर्नमेंट है वो वीक है, इन द सेंस कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। यानी कि जब भी वो डिसीजन लेते हैं उनका जो डिसीजन काफ़ी लेट से आता है। लेट्स सपोज ले लेते हैं लाइक इस वक्त द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्लो डिसीजन मेकिंग, इसमें ये होता है कि लाइक कोविड की ऐसे जो छुट्टियां हो रही हैं उसकी वजह से क्या होता है ये बिल्कुल रातों रात में ये अनाउंसमेंट करते हैं। यानी ये लोग कहते हैं कि स्कूल इस दिन खुलेगा एंड देन वो कहते हैं कि लेकिन हम इस दिन पे ये मीटिंग रखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि स्कूल उस दिन खोलना है या नहीं खोलना एंड देन दे विल एक्सटेंड इट। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो कर भी देते हैं तो भी वो उस पर खड़े नहीं होते, अनलाइक डिफरेंट गवर्नमेंट्स। इसमें क्या होता है एक दफ़ा आपने डिसीजन ले लिया तो यू हैव टू कीप ऑन, यू हैव टू स्टैंड ऑन इट। तो इस टाइप की जो हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की दे आर वेरी स्लो इन डिसीजन मेकिंग, और जब डिसीजन बना भी लेते हैं काफ़ी लेट से उसके बाद भी वो उस पर खड़ा होना उनके लिए मुश्किल होता है। सेकेंड उसमें क्या रहता है इनएबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज पॉलिसी, यानी पॉलिसी उन्होंने बना दी उसके बाद उस पर अप्लाई कैसे करना है इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो तरीका नहीं बताते वो लोग। यानी सपोज पाकिस्तान के अंदर कानून है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए और वो सब पे फर्ज है, यानी कि यू हैव टू हैव एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन उसमें, चाहे आप गवर्नमेंट से लें प्राइवेट से लें कहीं से भी लें, लेकिन एक पाकिस्तानी के लिए उन पे ऑब्लिगेटरी है मैंडेटरी है कि उनके पास प्राइमरी एजुकेशन हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑल्दो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे आप लोगों लोग मिलेंगे जो प्राइमरी पास नहीं होते। तो यानी हम लोगों ने कानून तैयार कर लिया दैट हम लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो होना चाहिए मतलब मैंडेटरी सबके ऊपर, बट वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट एंड लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक यानी आम आवाम के इंटरेस्ट में क्या फ़ायदेमंद है और प्राइवेट यानी पर्सनल इंटरेस्ट में क्या फ़ायदेमंद है उसमें वो इस तरह के वो डिफरेंस नहीं रखते उसमें। यानी उनको पता नहीं होता कि जो डिसीजन ले रहे हैं कि वो सच में पब्लिक के लिए वो फ़ायदेमंद है या वो जो बंदा जो एक डिसीजन ले रहा है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसकी वजह से वीक गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर, तो इसी वजह से अगेन जो बायोडाइवर्सिटी का एक्शन प्लान बनाया गया था वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी हम लोग ऐसे कौन कौन से हरकत करते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होता है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग कोई फैक्ट्री मॉल्स या कोई फ्लैट्स खड़ा करना पड़ता है तो हम लोग दरख्तों को काट देते हैं, तो उसके बाद जो एनिमल्स रहते हैं वो दर बदर हो जाते हैं और फिर वो क्योंकि उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाती है तो वो सही से रह नहीं पाते। इसके अलावा क्या होता है जब उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाता है तो ऑफकोर्स वो फिर रोडों में आ जाते हैं, फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके, तो उसके ऐसे काफ़ी मसले मसाए रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है हम लोगों को जो इंडस्ट्रीज में जो लेदर्स चाहिए होते हैं जो एनिमल्स से हम लोग सामान निकालते हैं तो उनकी खाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। यानी ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द नीड ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके वजह से हम लोग जो पॉपुलेशन की वजह से जो हम लोग बिल्डिंग्स जो ट्रीज काटते हैं और फिर बिल्डिंग्स तैयार करते हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी पर अफेक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि हम लोग डिफरेंट मकासद की वजह से प्लांट्स को काटते हैं तो उससे क्या होता है फिर कि सॉइल इरोजन होता है, जो सॉइल होती है वो कच्ची बन जाती है वो ठहरती नहीं है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय यानी जो प्लांट की जो लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी कि प्लांट्स की जो अमाउंट होती है या प्रेजेंस होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर दैट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाती है लो रेनफॉल यानी उसकी जो बरसात होती है वो कम हो जाती है, क्लाइमेट चेंज यानी बहुत गर्मी आती है क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से एटमॉस्फेयर को ठंडा रखते हैं, बट व्हेन वी कट डिफॉरेस्टेशन जब हम लोग करते हैं तो प्लांट्स जो हैं
नहीं होते तो क्लाइमेट चेंज होता है हमारा। पोल्यूशन, पोल्यूशन चाहे आप कचरा ज़मीन में फेंक रहे हैं, चाहे पानी में कचरा फेंक रहे हैं, चाहे हवा में जो इंडस्ट्री से भेज रहे हैं, तो उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो एबनॉर्मली ग्रो करता है, इंक्रीज हो जाता है वो। ओवर हंटिंग, जो हम लोग एनिमल्स को हंट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग किल करते हैं, उनकी जो स्पीशीज हैं उनकी जो स्पीशीज ख़त्म हो जाती है, ऐसा ऐसा वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और वो दुनिया से ख़त्म, मतलब उनकी स्पीशीज ख़त्म हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन कॉसेस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी सबसे पहले ज़्यादा जो अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो डिफॉरेस्टेशन करता है, कि हम जो प्लांट्स काटते हैं उसकी वजह से बहुत ही सारे मसले मसाइल हमें महसूस, हमारे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। फॉरेस्ट कवर अबाउट 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आर प्लैनेट, प्लैनेट पूरे अर्थ के अंदर जो है 31% जो है वो फॉरेस्ट है। दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमारी जिंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन नहीं होगा तो वी वॉन्ट बी एबल टू लिव, एंड प्रोवाइड होम्स फॉर द पीपल एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी उनके हैबिटेट्स हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटन एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, यानी कि जितने भी ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने के चांसेस हैं, जिनको खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी दुनिया में से, तो उनके ज़्यादातर जो हैबिटेट्स हैं वो फॉरेस्ट में हैं। एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स, और हम लोग काफ़ी सारे उसमें से फ़ायदे हासिल करते हैं। फॉरेस्ट ऑफर फूड, क्या क्या फ़ायदे, यानी हमें उसमें से फूड मिलता है, चाहे वो एनिमल्स से हो या प्लांट्स से हो, बट वी गेट अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम इट। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलता है, क्लोथिंग, क्योंकि वहाँ पे आप चाहे डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं और इसके अलावा जो है प्लांट्स होते हैं उसमें से हमें क्लोथिंग के लिए मटेरियल मिलता है। मेडिसिन हमें वहाँ से मिलती है, काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड शेल्टर यानी घर बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है वो भी फॉरेस्ट के थ्रू हमें मिल रहा होता है। फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज बिकॉज दे एक्ट एज कार्बन सिंक, सोकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज बी फ्री इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा क्या करता है फॉरेस्ट, ये क्लाइमेट चेंज से हमें बचाता है उसे, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने अंदर ले लेता है जो गर्माहट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत गर्म गैस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे फ्रीली छोड़ देते तो वो जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर क्लाइमेट चेंज करता, यानी हमारा जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता। एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग चेंजेस इन द क्लाइमेट पैटर्न्स, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट क्लाइमेट पैटर्न्स में चेंजेस नजर आते, लाइक लेट सपोज जो है एक इलाका है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वो ठंडे इलाके के हिसाब से वो ग्रो होते हैं, लेकिन अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होगा तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही आएगा, तो वो जो प्लांट्स हैं वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स हैं, लेट सपोज जो पोलर बियर्स हैं या पेंगुइन्स हैं वो भी अगेन कोल्ड एरिया के हिसाब से होते हैं, बट इफ़ वी गोना कट द ट्रीज एंड ऑल दैट तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उनके जिस इलाके में रहते हैं तो वहाँ के आइसबर्ग्स है, वहाँ जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, तो वो भी अगेन जिंदा नहीं रह पाएंगे उस गर्मी में। बट मैन इज डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाई कटिंग डाउन फॉर हिज सेक एंड कम्फर्ट, और इंसान इतने सारे फायदे लेने के बावजूद इसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और इस नेचुरल ब्यूटी को काटे पे काटे आ रहा है सिर्फ अपने खातिर और अपने अय्याशी के लिए। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा इलाका यानी बहुत सारे ट्रीज को काटना ताकि वो पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए, यानी कि जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या है, यहाँ पर देखिए वैसे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और यहाँ पर उन्होंने जितने भी दरख्त वो काट दिए ये पूरी सीधी सीधी ज़मीन हो गई। यूजुअली जो हम लोग काटते हैं वो यूजुअली वहाँ पर फिर क्या कहते हैं फ्लैट्स खड़ा कर देते हैं, वहाँ पे मॉल्स खड़ा कर देते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में क्या होता है वो वहाँ से वो फर्नीचर्स के लिए जो है लकड़ी वो तैयार करते हैं, उसमें से टिम्बर्स तैयार करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी बहुत सारे वो ट्रीज को काट देते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज डन डेलिब्रेटली एंड जानबूझ के किया जाता है और बहुत ज़्यादा किया जाता है ड्यू टू माइनिंग, यानी कि हम लोगों को जो है माइनिंग पर्पज़ के लिए के जो रॉक्स होते हैं जिसमें से मेटल्स हमें मिल रहे होते हैं तो उसके लिए माइंस तैयार करते हैं। पेपर मेकिंग यानी पेपर्स बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन यानी कि फ्लैट्स और मॉल्स तैयार करने के लिए, टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग रोड्स,
दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए कभी कभी जो छोटा रास्ता होता है वो फॉरेस्ट के बीच में से गुजर रहा होता है, तो उसमें सारे दरख्तों को काटना पड़ता है जो रास्ते में आ रहे होते हैं। एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी कि जो हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपने खाने पीने के लिए, उसके लिए भी हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं। एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग यानी कि जो हम लोग जानवर पालते हैं उसकी ब्रीडिंग करने के, उसकी नस्ल बढ़ाने के लिए जो है हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं। अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Deforestation results with a great loss in biodiversity such as increase in the concentration of greenhouse gases. Deforestation के ऐसे में काफ़ी सारे नुकसान होता है, जैसे कि जो greenhouse gases हैं वो increase जाते हैं, उनकी जो amount है वो increase जाती है। अब greenhouse gases में कौन कौन से आते हैं, carbon dioxide आता है, sulfur dioxide आ जाता है, methane आ जाता है, यानी कि greenhouse gases वो gases हैं जो एक तरह से global warming में contribute करते हैं, which leads to global warming यानी वो contribute करते हैं global warming में। Temperature will be high यानी global warming होगी, तो यानी temperature increase होगी, that causes glaciers। Glaciers यानी कि जो हमारे north pole में south pole में जो ice मौजूद हैं वो glaciers हैं, वो पिघल जाएंगे, जिसके से क्या होगा कि which is the reason of raising sea level। तो यानी कि different जो seas हैं उसके जो level जो increase हो रहे हैं, पानी की जो amount है वो increase हो रही है, उस increase की वजह से क्या हो रहा है, it causes flood यानी सैलाब आता है। यानी क्या होता है, गर्मी increase होगी, गर्मी की वजह से जो बर्फ नेचुरली मौजूद है नॉर्थ एंड साउथ पोल में वो वाले बर्फ मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर वो पानी बन जाता है, वो पानी जो है डिफरेंट सीज एंड ओशन से मिक्स हो जाता है, एंड देन वहाँ का जो लेवल है, वहाँ का जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके वजह से फिर सैलाब आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो द रीजन ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सॉइल इरोजन, लो रेनफॉल ड्यू टू नो ट्रांसपरेशन आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी सॉइल जब प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो कच्ची बन जाती है, और अगेन प्लांट्स की गैर मौजूदगी के वजह से जो रेनफॉल होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म होने के इम्कान होते हैं, तो इसमें यह है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एंटरटेनमेंट यानी कि शौक में, मस्ती मजाक में, इस पर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लाइक जूज में हम लोग डाल देते हैं एनिमल्स को उस पर्पज़ के लिए भी, और फूड के लिए, खाने पीने के लिए भी, एनिमल्स आर बिकमिंग इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर, यानी कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि फ्यूचर में उसकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी उसकी जितनी भी नस्ल है बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि लेट्स सपोज देते हैं, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक हो चुके हैं, ऑल्दो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन, बट स्टिल अभी डायनासोर्स पाए नहीं जाते हैं, तो यानी वो एक्सटिंक हो चुके हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सटिंक होने के इम्कान हैं, दे आर नोन एज इंडेंजर्ड, और सम हैव गॉन एक्सटिंक्ट, यानी कुछ तो एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डोडो एक बर्ड है, डोडो ये बर्ड है, ये किसी ज़माने में दुनिया में था, बट क्या होता था कि लोग जब इसके इलाके में, आइलैंड में आते थे, तो ये इसको, इसका जो मीट है वो काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये इसको जो है काट के पकाया करते थे। ये तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब इसकी जो नस्ल है ख़त्म होती है, यानी अब जो है कोई भी दुनिया के अंदर डोडो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फूड पर्पज़ के लिए एनिमल्स को कत्ल करते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर पका के खाते हैं, तो ऐसा ऐसा क्या होता है, उसकी नस्ल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, यानी जैसे डोडो अभी पूरी दुनिया में किसी भी इलाके में नहीं पाया जाता, यानी इसकी ख़त्म हो चुकी है। यानी इसके जो एग्स होते थे, जब ये अंडे देता था, तो अंडे जो है ये वो भी तल के खा लिया करते थे, क्योंकि वो भी बहुत टेस्टी होता था, या फिर कुछ जो है मंकीज होते थे वो भी इसके अंडे खा लिया करते, यानी उनकी नस्ल को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। तो इस पर्पज़ के वजह से जो है डोडो जो है इस दुनिया में नहीं है, तो वही यानी कि डोडो जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यानी श्योरिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज इन द इकोसिस्टम, यानी अब जो है इस दुनिया के अंदर उसका कोई दूसरा नस्ल हमें नहीं मिलता। तो सम ऑफ द इंडेंजर स्पीशीज आर लॉन्ग बिल्ड वल्चर, यानी इस वक्त जो है लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो है वो इंडेंजर्ड है, यानी इसके आगे नस्ल ख़त्म होने के इम्कान हैं। ग्रीसी टर्टल भी एक एग्जाम्पल है, स्नो लियोपर्ड आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक हो चुका है, दूसरे कंट्रीज में है बट आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक हो चुका है। मार्को पोलो शिप यानी वाली यूरोपियन ऑटर, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्म माउस यानी कि ये जो एनिमल्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडेंजर्ड हैं, यानी इनके नस्ल ख़त्म होने के इम्कान हैं। एक दफ़ा समरी कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डिग्री ऑफ वेरिएशन विद और अमंग स्पीशीज एक्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, डिफरेंट जगहों, अर्थ जो अगर अर्थ की डिफरेंट जगह है वहाँ पर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं उन तमाम को बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है।
Biodiversity provides many beneficial products including fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. Biodiversity में बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं जो हम जिससे फ़ायदा उठाते हैं, लाइक फाइबर, कपड़े वगैरह या प्लास्टिक वगैरह, ऑयल्स, चाहे वो खाने पीने के लिए ऑयल्स हो, बाल में लगाने के लिए ऑयल हो या पेट्रोलियम ऑयल हो, तमाम ऑयल्स हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है. डाइज यानी कलर्स, चाहे वो पेंट कलर हो, जो वॉल में पेंट करते हैं, सर पे पेंट करते हैं या फिर आप जो कपड़े में पेंट करते हैं, रबर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाटर, पानी भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, टिम्बर फर्नीचर के लिए जो लकड़ी होता है, पेपर्स एंड फूड, ये सब बायोडाइवर्सिटी से हमें मिल रहा होता है.